ओम अज्ञानतिम्रांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदाम्बिका। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकलकन्दं श्रीविष्णुवांश्च श्रीरूपं सार्द्रजातं सहगणरघुनाथाम्बितं तं सैव सावद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदीपं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश। हरे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु भक्तकंचनी गौरांगी राधे हरे कृष्ण। कहाँ पर थे हम लोग? आरती आरती को निरंजन भी कहते हैं। इस प्रकार की शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। हम जो भी अर्पित करते हैं वे सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के शुद्ध रूप में होते हैं तथा वे इंद्रिय विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आरती की संपूर्ण विधि शुभकारी होती है। दिन की पहली आरती मंगल आरती में सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य में अवतीर्ण हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना की गुरु शिष्य परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य हैं। उनका कथन है, जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाओं गुरुवाष्टक का गायन सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावननाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्योदय के पूर्व लगभग 1.5 घंटा पूर्व मंदिर में मंगल आरती होना आवश्यक है। श्री चैतन्य चरितामृत मद लीला 24334 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भक्ति सामा सुंद में आरती के दर्शन करने की विधि के लाभ पर बल देते हैं। स्कंद पुराण में आरती अथवा पूजा देखने से होने वाले लाभों का वर्णन इस प्रकार है, यदि कोई भगवान की आरती करते समय उनके मुखमंडल को निहारता है तो वह लाखों वर्षों के संचित पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं अपितु वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। भक्ति सामा सिंधु अध्याय 9। तो यहाँ पर आरती का वर्णन है, आरती के विषय में बताया जा रहा है कि आरती भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और आरती का भाव है कि जो अंधकार को हटा के प्रकाश की स्थापना करे और भगवान को प्रेम भाव और अपना सेवा समर्पित करते हैं।
आरती के विषय में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए मंगल आरती जो है 4:30 बजे। तो जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती में शामिल होता है तो निश्चित रूप से उसका उसे शुभ माना जाता है और व्यक्ति का चेतना शुद्ध होता है। विशेष रूप से और इसका तो पुराण में वर्णन आ रहा है, आरती पूजा देखने वाले से होने वाला लाभ क्या है कि अगर कोई आरती चल रही है और उस समय कोई भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान को निहार रहा है, तो उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर हो जाता है। इतना वर्णन है, यहाँ तो लिखा है लाखों वर्षों के संचित पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। कई बार ये बात सुनकर के थोड़ा हमको बड़ा अटपटा सा लगता होगा, ये एक आरती देखने से केवल लाखों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएंगे? भगवान और भगवान की सेवा यानी भक्ति बड़ी पावरफुल है, पाप में इतना क्षमता नहीं है। आचार्यगण बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक शुद्ध नाम ले लेता है तो वो पूरे जीवन में इतना पाप नहीं कर सकता, कितने भी पाप उसने किए हो वो सब भस्म हो जाते हैं केवल एक शुद्ध नाम लेने से। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम नाम भी लेंगे और पाप भी करेंगे, तो फिर वो नाम अपराध हो जाएगा, नाम के बल पर पाप करना। महाप्रसाद अथवा निर्माल्य स्वीकार करना, निर्माल्य अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं जैसे हार, फूल, चंदन, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र इत्यादि। पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों एवं मस्तक पर स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे हम लोग भगवान को जो चीज़ें अर्पित की जाती हैं जैसे आरती हो गई, माला हो गई, फूल हो गए, तुलसी पत्र हो गए, भगवान को भोग हो गया, तो जब भगवान को चढ़ जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, फिर महाप्रसाद हो जाता है। ठीक है, और वो जब हमको मिलता है तो उसका बड़े हृदय से हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। जैसे भगवान की माला मिलती है हमको तो हमको उच्च स्वर में ध्वनि करनी चाहिए जय महाप्रसाद, है ना, महाप्रसाद। तो जैसे हमको भोग मिलता है भगवान का, जय महाप्रसाद, और उसको माथे से लगाते हैं, आंखों से लगाते हैं। फूल मिलता है भगवान के चरणों पर चढ़ा हुआ, तो फूल हम अपनी आंखों पर मस्तिष्क पर लगाते हैं और धन्यवाद देते हैं भगवान का, जय महाप्रसाद। ठीक है ना, फूल अथवा हार निर्मल पर पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंक कर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी भगवान की माला है, ऐसा नहीं भगवान को, अगर नॉर्मल माला है तब एक अलग बात है, लेकिन अगर वो भगवान को अर्पित हो गई, वो माला भगवान को अर्पित हो गई तो क्या हो गया, वो प्रसाद बन गया। ठीक है ना, और अगर वही माला भगवान पे चढ़ी हुई माला गुरुजन या वैष्णव को अर्पित कर दी तो फिर क्या हो गया, वो महा महाप्रसाद हो गया, क्योंकि भगवान को अर्पित किया, फिर उसके बाद में उसको गुरु को अर्पित किया या उसको वैष्णवों को अर्पित किया तो फिर वो क्या हो गया, महा महाप्रसाद हो गया। तो उसको हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो माला लें भगवान पे चढ़ी हुई हो या भक्तों की पहनी हुई हो उसको हम लें और ऐसे ही कहीं फेंकते हैं, पैर लग रहे हैं, कहीं पड़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको बहुत सम्मानजनक तरीके से मस्तक पर लगाना चाहिए। निर्माल्य का आदर करने के पश्चात उन्हें एकत्रित करके नदी, तालाब या समुद्र में प्रवाहित कर दें। तो फूल चढ़ते हैं, माला चढ़ती है, उसके बाद हमको एक जगह स्टोर करना चाहिए और नाली में प्रवाह, सॉरी नदी में, यमुना में, समुद्र में प्रवाहित कर देना चाहिए या गड्ढा खोद करके उसमें दफन कर देना चाहिए। महाप्रसाद रूपी हार का मस्तक से स्पर्श करके गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त आदर करते हैं। जब भी भगवान की प्रसादी माला मिलती है तो भक्त लोग उस माला को क्या करते हैं, माथे से लगाते हैं, उसको सूंघते हैं और भगवान के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि भगवान का विशेष प्रसाद
मिला भक्तों को, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि भक्तों की कृपा से ये महाप्रसाद मिला। कई बार भक्तों को माला पहनाई जाती है तो लोग सोचते हैं कि अरे नरे रे हमको सम्मान नहीं चाहिए। वो सम्मान नहीं है, वो भगवान का प्रसाद है। तो भगवान का प्रसाद बड़े उत्साह से, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। प्रसाद निर्माल्य फूल माला को तुलसी पौधे के नीचे जमीन में डाल देना बेहतर है। चरणामृत, चरणामृत भगवान के अभिषेक के पश्चात प्राप्त सुगंधित जल का आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिराई तो उसे 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। ठीक है, तो चरणामृत का सेवन जब हम करते हैं तो हमें बहुत सावधानी को, चरणामृत का सेवन तो आपको क्या करेगा, लाखों पापों से मुक्त करेगा, लेकिन अगर आप उसका अपमान करोगे तो 8 लाख गुना अधिक पाप भी पड़ेगा। हम लोगों की भक्ति भी इसीलिए नहीं होता, जैसे बताया गया भगवान की आरती चल रही है, वो देख रहा है तो लाखों जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन फिर अगर ऐसा पाप करेगा तो लाखों चढ़े जाते हैं। तो हम लोग यही सब करते रहते हैं, अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं। इसलिए हमारा जो शुद्धिकरण होना चाहिए वो शुद्धिकरण हमारा नहीं हो पाता, या जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। पुण्यवान व्यक्ति अलग दिखता है, जैसे धनवान व्यक्ति अलग दिखता है। कोई अगर धनवान है, वास्तव में धनवान है, उसका पहनना ओढ़ना, उसका चलना फिरना बोलना, उसकी गाड़ी, उसका घर, उसके कपड़े, उसके गहने सब बता देंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, धनवान है। ऐसे ही संस्कारवान है ना, पुण्यवान। जो संस्कारवान होता है, जो भगवान को समर्पित होता है, उसका भी आचरण, उसका व्यवहार, उसकी विनम्रता, उसकी दीनता, उसकी सेवा वो बता देती है कि ये संस्कारवान है, ये पुण्यवान है, ये पुण्य आत्मा है। आज के समय में धनवान का ज्यादा वैल्यू है संस्कारवान का, कोई भी समझता नहीं कि संस्कार क्या है क्या नहीं, लेकिन धनवान का वैल्यू कुछ नहीं है, संस्कारवान का बहुत वैल्यू है। क्यों वैल्यू है इसको समझ लो। धन कब तक है कोई गारंटी है? हम में से कोई व्यक्ति बोल सकता है हम हमेशा धनी रहेंगे? आज है कहो हम कल भिखारी हो जाए, और मान लो नहीं भी भिखारी हो तो जब आप मर जाओगे तो सब धनी ही छूट जाएगा। लेकिन संस्कार ये हमारे जीते जी भी साथ रहते हैं और मरने के बाद भी हमारे साथ जाते हैं। तो संस्कारवान होना धनवान होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग संस्कारवान को ज्यादा वैल्यू नहीं देते। आजकल माता पिता क्या चाहते हैं, आपका बेटा धनवान बने कि संस्कारवान बने? पैसा होना चाहिए बेटा, पैसा कमा। फिर वो क्या करता है, पैसा तो कमाता है लेकिन माँ बाप को अपमान करता है, उपेक्षा करता है, बीवी की सेवा करता है, माँ बाप को अनाथालय में डाल देगा अगर समर्थवान हुआ तो, और अगर निर्धन हुआ तो क्या करेगा, माता पिता के साथ ही रहकर माता पिता को दुखी करेगा। इसका कारण क्या है कि माता पिता की गलती है, उसको बचपन से धनवान होने की प्रेरणा तो दी लेकिन संस्कारवान होने की प्रेरणा नहीं दी, न खुद माता पिता हुए और न उन्होंने बच्चे को दी, तो इसलिए फिर उनका जीवन नहीं बदल पाता। तो धनवान से ज्यादा संस्कारवान इंपॉर्टेंट है। तो चरणामृत के विषय में लिखा है कि चरणामृत अगर जमीन में एक बूंद भी गिरता है तो 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। हर वक्त हरि भक्ति विलास में इसका स्पष्ट वर्णन है। तो हम लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक चरणामृत लेना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए 2 बूंद की जो कि हम उसको जमीन में न गिरे। श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति मुदा भक्त भावेन वे पित्वा सरसा धारयाम हम। यह जल श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से आया है, अतः यह हमें प्रेम भक्ति प्रदान करे। इस प्रकार आनंदित तथा भक्तिमय होकर इस चरणामृत का सेवन करके मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ।
ऐसा भाव रखते हुए चरणामृत का पान करना चाहिए। पुजारी चरणामृत वितरित करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते समय मस्तक पर लगाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करें, जो ऊपर मंत्र दिया गया है। चरणामृत फूल हार तथा तुलसी पत्र नीचे न गिरें इत्यादि, अपनी बाईं हथेली को दाहिनी हथेली से नीचे रखें। इसलिए क्या करना चाहिए, यो करके लेना चाहिए जिससे नीचे न गिर पाए। कभी भी प्रसाद को हमेशा दाहिने हाथ में लेना चाहिए, बाहिने हाथ बाएं हाथ में नहीं। भगवान के महाप्रसाद का आदर पूर्वक सेवन करें, परंतु विग्रहों के सामने उसे ग्रहण करना वर्जित है। हाथों की हथेलियों में समा जाने योग्य महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो भगवान के सामने महाप्रसाद ग्रहण करना वर्जित है, लेकिन कितना थोड़ा अगर चरणामृत है, थोड़ा सा वो है तो एक तरफ मुंह करके थोड़ा सा ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम महाप्रसाद का थाली लेके और अच्छा विग्रह के सामने कहें महाप्रसाद है, हम खा रहे हैं भगवान के सामने, तो ये अपराध इस तरह से हमको नहीं करना चाहिए। घी का दीपक, कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे स्थित गरुड़ जी के पास ले जाया जाता है। इस्कॉन मंदिर में दीपक को सर्वप्रथम शील प्रभुपाद के समक्ष ले जाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य एवं उपस्थित समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। अर्पित दीपक को आदर देने के लिए हाथ से दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद का उच्चारण करें। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आरती होती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले कई मंदिरों में गरुड़ जी को दिखाई जाते हैं, लेकिन इस्कॉन के मंदिरों में जो संस्थापकाचार्य हैं प्रभुपाद जी, उनको पहले दिखाई जाती है। उसके बाद जो वरिष्ठ भक्त होता है, जो भी सीनियर है, हमसे पहले दीक्षा लिया है या हमसे ज़्यादा पद में ऊपर है, हमसे ज़्यादा ज्ञान में ऊपर है, तो उस व्यक्ति को पहले आरती दिखाई जाती है। आरती दिखाने का भी क्रम है, भगवान को जैसे ही आरती होगी तो सबसे पहले प्रभुपाद जी को आरती दिखाई जाएगी, उसके बाद में जो भी वरिष्ठ भक्त होगा उसको, फिर उससे कम वरिष्ठ, फिर उससे कम वरिष्ठ, फिर उससे कम वरिष्ठ, इस तरीके से आरती दिखाई जाए। ऐसा नहीं किसी को भी आरती दिखा दो या जैसे ही आरती आए लोग टूट पड़ते हैं, ये मर्यादा नहीं है। हम लोगों को हमेशा अपनी बारी आने पर ही आरती लेनी चाहिए, और अगर हमको आरती दिखाने का सौभाग्य मिले या सेवा मिले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम आरती प्रभुपाद जी के पास जानी चाहिए, उसके बाद जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके उनको दिखानी चाहिए। अर्पित दीपक को आदर देने के लिए हाथ से दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद का उच्चारण करें। तो आरती जब लेते हैं तब भी हम लोग जय महाप्रसाद का उच्चारण करना चाहिए। भगवान के वस्त्र, भगवान के वस्त्र भी निर्माल्य ही हैं, उनका प्रसाद के रूप में आदर पूर्वक वितरण किया जा सकता है। अन्य पूजनीय वस्तुओं के मध्य रखकर इनका आदर करें, अथवा किसी शीशे की मंजूषा या दीवार पर चित्र की भांति टांग कर रखें। उन वस्त्रों को केवल भक्तिमय कार्यों के लिए काटना एवं सीना चाहिए, जैसे जपमाला की थैली, छोटे बच्चों के नाटक जैसे कार्यों में लगाने वाले भगवान के वस्त्रों को शरीर के निचले भागों के प्रयोग न करें। भगवान के वस्त्रों को कमर के नीचे नहीं पहनना चाहिए। तो भगवान के जो वस्त्र हैं वो भी क्या है, भगवान से अभिन्न है। हमारे शास्त्रों में हम लोगों को ये शिक्षा दिया गया, बताया गया कि भगवान तथा गुरु में एक भाव रखना चाहिए, एक सा सम्मान देना चाहिए। तो भगवान के द्वारा जो पहने हुए वस्त्र हैं उनको हमें कैसे सम्मान देना चाहिए, भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए। इसी प्रकार से गुरुजनों के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ कोई वस्त्र है तो उसको भी गुरु जैसा ही सम्मान देना चाहिए। गुरुजनों के द्वारा पहने जाने वाली जो स्लीपर्स हैं उनको भी गुरु के समान ही सम्मान देना चाहिए। तो जैसे भगवान की स्लीपर है तो भगवान की स्लीपर को हम भगवान जैसा सम्मान देते हैं, भगवान के वस्त्र को भगवान जैसा सम्मान देते हैं।
भगवान पर जब कोई चीज स्पर्श हो जाती है, भगवान के टच हो जाती है, तो फिर क्या होता है, वो प्रसाद बन जाता है। तो ये संस्कार है, आदर है। अभी तो ये सब कोई जानता ही नहीं है, कोई कुछ सीखा ही नहीं है, अभी तो कुछ भी लोग करते हैं। अभी घर में भी क्या करते हैं, हम लोग कई बार अपने माता पिता की चप्पल पहन के खुद चल देते हैं, लेकिन ये आदर्श नहीं है। एक पुत्र को कभी भी अपने माता पिता के स्लीपर्स को नहीं पहनना चाहिए। आप भगवान कृष्ण से सीख सकते हो। भगवान कृष्ण, नंद बाबा को चप्पल जरूरत होती थी तो क्या करते थे, ऐसे सर पे उठा करके ले जाते थे। ये संस्कार थे हमारी संस्कृति। वो भगवान है, लेकिन वो क्या आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि अपने पिता की जो चप्पल उठाते थे, ये नहीं पैर पहन लिया, हाँ उठा के रख दिया, हाँ चप्पलें गंदी हैं, ये कौन छुए थे, ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण स्वयं दिखाते हैं कि अपने नंद बाबा की चप्पल को वो सर पे रख करके लेकर के जाते हैं। तो ये संस्कार है। हम लोगों को जब कोई चीज भगवान स्पर्श कर लेते हैं, गुरु स्पर्श कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। उसका सम्मान भी हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे हम भगवान को करते हैं। ये आदर है। साइज से मतलब नहीं है, आजकल तो साइज पे ही जा रहे हैं ना, कि अब तो पिता का पैर में बेटा का आ रहा है तो बेटा भी पहनेगा। तो बिगाड़ कौन रहा है, हम ही लोग को बिगाड़ रहे हैं। जो संस्कार दे ही दे रहे हैं तो उसको जब इज्जत बचपन से देना सिखाएंगे नहीं तो वो क्या करेगा बाद में। ये आदर्श का लेवल है। अभी तो सब खत्म हो चुका है, किसी की कोई भावना नहीं है, कोई सम्मान नाम की चीज नहीं है। हम क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं। जहां पहले के समय में जब पिता बैठते थे बराबर नहीं बैठते थे, जहां गुरु बैठता था बराबर नहीं बैठते थे, ये शिष्टाचार था। हम विनम्रता पूर्वक स्वेच्छा से, और नीचे बैठने में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था, आनंद आता था, हृदय से प्रसन्नता होती थी। ये भाव का खेल है ना। अभी तो ये संस्कार ही खत्म हो गए। अभी क्या है, अभी तो सब उल्टा चल रहा है सब। पहले के समय में बच्चे माता पिता के पैर छूते थे, बिना पैर छुए घर से बाहर नहीं जाते थे, कहीं आते थे तो पैर छूते थे, घर से बाहर जाते थे तो भगवान को प्रणाम करके जाते थे, आते ही भगवान को प्रणाम करते थे। तो अभी तो सब धीरे धीरे सब खत्म हो गया। तो हम लोगों को ये सब सीखना चाहिए और परंपराओं को डालना चाहिए। नहीं डाला है, नहीं किया है, ठीक है, कम से कम भगवान और गुरु के प्रति ऐसा भाव हम लोगों का होना चाहिए। आदर्श स्थिति तो ये आपके ऊपर है, आप कितने संस्कारवान हो, लेकिन कम से कम भगवान की जो वस्तुएं हैं, गुरुजनों की जो वस्तुएं हैं, उनके प्रति हम लोगों को बहुत विशेष आदर भाव होना चाहिए। कुछ नहीं, ऐसा ही सोचना कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। जो जितना कैजुअल लेगा वो उतना अपराध करेगा। जैसे कहा ना कि चरणामृत लेने में कितना पुण्य है, लेकिन अगर एक बूंद गिर गया तो 8 लाख गुना। ऐसे ही सत्संग करना बहुत फायदेमंद है, लेकिन सही प्रकार से संग न करना भक्तों का या गुरुजनों का, तो वो लाखों गुना अपराध होते हैं। फिर वो अपराध के कारण कोई बात अंदर नहीं जाती है, फिर हम कुछ भी करते हैं। तो बहुत सावधान होकर के विनम्रता पूर्वक संग करना चाहिए। भगवान के वस्त्रों को कमर से नीचे नहीं पहनना चाहिए। महाप्रसाद, भारत के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा सा प्रसाद गर्भगृह से अथवा बाहर आकर सभी भक्तों को बांटते हैं। कभी कभी प्रचार की दृष्टि से नए लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। भक्त इस उच्चिष्ट को तुरंत स्वीकार करते हैं। यदि संभव हो तो प्रसाद को भगवान के समक्ष न खाकर मंदिर से बाहर जाकर के खाएं। तो आदर्श ये है कि अगर बहुत थोड़ा प्रसाद है तो ठीक है, एक कोने में एक तरफ जाकर के ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगर कुछ प्रसाद दिया गया तो मंदिर परिसर, मंदिर जो हॉल है जहाँ भगवान विराजमान है, उससे बाहर जाके, जैसे भविष्य में यहाँ भगवान के 3 अंतर होंगे तो हम लोग वहाँ दर्शन करेंगे तो मंदिर से बाहर निकल करके प्रसाद देंगे। ये नहीं भगवान के सामने ही हम खाने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यथा संभव सूखे प्रसाद का वितरण करने का प्रयास करें, क्योंकि गीले रसयुक्त प्रसाद की भूमि में गिरने की संभावना रहती है, तो प्रसाद का अपमान हो सकता है। इसलिए हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो सूखा प्रसाद है वो बांटें।
पवित्र वस्तुओं का प्रयोग, आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अपवित्र स्थान पर न रखें। पूजनीय वस्तुओं के समान ही इन वस्तुओं का भी आदर करें। जो पुस्तकें हैं, जपमाला है, करताल है, इन सबको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, जमीन पर नहीं रखना चाहिए। किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श न करें। जो कार्य हाथों से हो सकते हैं उनके लिए व्यर्थ में पैरों का प्रयोग न करें। तो जो पवित्र वस्तुएं हैं उनका प्रयोग हाथ से करना चाहिए, पैर से न करें। दूसरा, जैसे हम कभी भगवान के सामने बैठे हैं या लेक्चर में बैठे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, कभी भी पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे पैर फैला लेते हैं आगे। तो भगवान, अगर हम मंदिर में बैठे हैं तो भगवान के समक्ष फैलेंगे, और अगर हम प्रवचन हॉल में बैठे हैं तो हम व्यासासन गुरुजनों के समक्ष उसको फैलाएंगे, तो वो अपराध है। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। यदि कोई पवित्र वस्तु भूमि पर पड़ी हो तो उसे तुरंत उठा करके मस्तक से स्पर्श कराएं। अगर भगवान का माला है, फूल है, पुष्प है, तुलसी है, कोई चीज जमीन पड़ी है तो उसको माथे से लगा करके एक स्थान पर रखना चाहिए। ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को लांगे नहीं। ग्रंथ को लांगना नहीं चाहिए, भक्त को लांगना नहीं चाहिए, प्रसाद को नहीं लांगना चाहिए, और भगवान को जो अर्पित किए गए पुष्प हैं, पवित्र वस्तुएं हैं, उनको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। पवित्र वस्तुएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते समय उन्हें फेंकना अथवा सरकाना नहीं चाहिए। ऐसी वस्तुओं का लेन देन अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। जैसे करताल है तो कई बार लोग करताल फेंक देते हैं, पकड़ो, कैच करो, नहीं, ये मर्यादा नहीं है। बहुत सावधानी पूर्वक हमें करताल लेने चाहिए। करताल, मृदंग, ये सब क्या है, नित्यानंद प्रभु का विस्तार है, बलराम जी का विस्तार है, तो इनको भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। सीधी सी बात समझ लो, जो चीज भगवान की सेवा में है उसे भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए। जो भगवान से स्पर्श हो गया वो भगवान का प्रसाद बन गया। इसीलिए गुरुजनों को बहुत आदर दिया गया भगवान जैसा, क्योंकि क्या, गुरुजनों के हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन चलता रहता, भगवान की चर्चा चलती रहती, तो उनके हृदय में भगवान, इसलिए उनको भगवान जैसा आदर देते हैं। भगवान के जो भक्त हैं उनको भगवान जैसा सम्मान देते हैं, वैष्णवों को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाएं। भगवान की फोटो हो, प्रतिमा हो, गुरु की फोटो या प्रतिमा हो, उसको अत्यंत सावधानी के साथ प्रयोग में लाएं। ऐसा नहीं है कि कहीं पड़ा है, हम उस पर पैर रख रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, वो शिष्टाचार नहीं। हरिनाम चादर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। इस वस्त्र पर भगवान का पवित्र नाम छप जाने के कारण वह भी वस्तु पवित्र बन जाती है, अतः उसका भूमि पर स्पर्श न होने दें। हरिनाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद योग स्थान पर रखना चाहिए। उसी प्रकार भगवान के चित्र, नाम इत्यादि छापे गए कुर्ते, टी शर्ट की देखभाल भी उपरोक्त पद्धति से करनी चाहिए। यानी भगवान का नाम को भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। हम लोगों में भाव न होने के कारण, ध्यान न देने के कारण हम क्या करते हैं, कई बार भगवान के नाम को लिखे हुए वस्त्रों को हम क्या करते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, जमीन पर डाल देते हैं या कहीं भी रख देते हैं, तो वो उचित नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है। तो हम लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान के बने हुए लॉकेट हैं, भगवान के स्वरूप में बनी हुई कोई चीज है, उसको धारण करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका सम्मान होना चाहिए। वस्त्र पे भी अगर भगवान का चित्र है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो वस्त्र कमर से नीचे नहीं होना चाहिए, कमर से ऊपर होना चाहिए,
छाती पे होना चाहिए, कंधे पे होना चाहिए, फिर यहाँ रख सकते हैं, लेकिन उसको सम्मान करना पड़ेगा। उसको ऐसा नहीं है टी शर्ट लेके आप फेंक दी बाथरूम में जाकर। यदि उसको फिर भगवान अगर है वहाँ तो उसको आपको आदर वैसे करना होगा। देखो सबसे बड़ी चीज एक बात आप लोग समझ लो, अगर जीवन में कुछ लाभ लेना चाहते हो तो आदर करना, सम्मान करना और सेवा करना सीख लो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। खूब कुछ भी करते रहना, कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर ये तीन चीजें नहीं होंगी, अगर आप भगवान का आदर नहीं करोगे, उनका सम्मान नहीं करोगे, उनका रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, तो भगवान से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तुलसी जी का अगर आदर नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे, उनकी मर्यादा का पालन नहीं करोगे, उनका सही तरीके से संग नहीं करोगे, उनकी ठीक तरीके से सेवा नहीं करोगे, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही गुरुजनों का अगर संग करोगे, सही रूप से उनका सम्मान नहीं करोगे, सही तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं करोगे और अगर सही तरीके से सेवा नहीं करोगे तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। सुनने से लाभ नहीं मिलता। हम लोगों को कई बार लगता है कि हम जितना सुन लेंगे, सारा ज्ञान ले लेंगे और हमारा बड़ा भला हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जब तक आपके अंदर ये गुण नहीं आएंगे, जब तक आप सही भाव से सम्मान पूर्वक सेवा नहीं करोगे, तब तक उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे ये कंठी है, तुलसी जी है, तो इसका सेवन कोई करता है कि गले में कंठी बड़ी अच्छी लगती है। कुछ लोगों को फैशन लगता है कि हाँ गले में बड़ा अच्छा लग रहा है, हम भी पहने। ठीक है, अब वो कंठी तो पहन रहे हैं लेकिन शराब पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तब क्या है, प्याज लहसुन खा रहे हैं, तब क्या है, वो कंठी का सम्मान नहीं कर रहे। तो सम्मान नहीं करोगे तो कंठी से जो तुम्हें लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। भगवान और भगवान की प्रिय वस्तुओं का संग करने से लाभ तो मिलता ही है, लेकिन अगर उनको आदर नहीं करते, अपराध करते हैं उनके प्रति, तो फिर लाभ नहीं मिलता। इसलिए बहुत सावधानी से संग करना चाहिए। इसीलिए भगवान का, गुरु का, भगवान की विशेष वस्तुओं का बहुत सम्मान से सेवन करना चाहिए। दंडवत करते समय इस बात की सावधानी बरतें कि हाथ में, गले में लटकी जपमाला का भूमि पर स्पर्श न हो। दंडवत करने के पूर्व उसे निकालकर योग्य स्थान पर रखें। तो जब हम प्रणाम करते हैं मंदिर में या किसी भक्त को, गुरुजनों को, तो हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए, जब माला को या तो किसी पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए या फिर उसको हाथ में लेकर के दंडवत करना चाहिए। मतलब जमीन पर माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। भले ही प्रणाम कर रहे हो आप, लेकिन माला को आदर देते हुए आपको प्रणाम करना है। और इस तरीके से हम प्रणाम करने में भी होता है, जो सन्यासी है, जो संन्यास जिन्होंने ले लिया है, उनको प्रयास करना चाहिए कि हम साष्टांग प्रणाम करें। ठीक है, लेट करके प्रणाम करें। ये सन्यासियों के प्रति हम अपने विशेष आदर को प्रदर्शित करते हैं, गुरुजनों को विशेष रूप से कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति बस, स्थिति बस, पांचांग प्रणाम तो कम से कम करना ही चाहिए। वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि अर्चा वगैरह से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी बरतें। उदाहरण, कपड़े एवं बर्तन योग्य स्थानों पर रखें, कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर रखें। स्वस्थ, अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने पर विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करने से पूर्व हाथ धो लें, हाथ को साफ कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है, क्योंकि इनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। ये वस्तुएं सामान्य न होकर के पूजनीय हैं। यह सदैव स्मरण रखना चाहिए, आवश्यक है। अतः उपयुक्त वर्णित सभी नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। अगली बार हम लोग व्यक्तिगत आदतें की चर्चा करेंगे। तो हम लोगों को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान और भगवान की वस्तुएं कैसी हैं, अभिन्न है, उनमें कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, जन,
ये सब क्या है, भगवान से अभिन्न है, एक जैसे। हमारा मन क्या बदमाशी करता है पता है, धीरे धीरे बदमाशी करता है। जैसे हम मंदिर में आएंगे, शुरू शुरू में आएंगे तो हम क्या करेंगे, करेंगे भक्तों को बड़े आदर से प्रणाम करेंगे, और अगर खिचड़ी प्रसाद मिल गया जरा सा दो चम्मच भी, तो बड़े स्वाद से बड़े सम्मान के साथ उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर क्या होता है, अब हमने क्या हुआ, अब हमको भक्तों की कृपा हुई, उन्होंने थोड़ा हमको प्रेम दिया, उन्होंने कहा कि नहीं आप रेगुलर आओ, सेवा करो, ध्यानपूर्वक भक्ति को समझो। फिर क्या होता है, फिर हम रेगुलर मंदिर आने लगते हैं। अब रेगुलर आने लगते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम हर चीज़ को चीप लेने लगते हैं। फिर भगवान का दर्शन, हाँ ठीक है कल तो किए, कैसा हाँ ठीक है जल्दी में आया बुला किया भक्त, अरे वही खाते हैं कल तो मिले थे वही तो लोग, खिचड़ी अरे खिचड़ी राजभोग कब मिलेगा, कुछ अच्छा खीर दो, कुछ बढ़िया प्रसाद दो, क्या खिचड़ी प्रसाद दे रहे हो। तो अगर आप भक्ति में आए हो तो श्रद्धा उस समय कम होती है कि ज्यादा होती है, जब आप आए आए हो, नए नए आए हो, कम होती है। और जैसे जैसे आप पुराने हो गए, जैसे जैसे आप सीरियस हो गए, सीनियर बनोगे, ज्यादा समय दोगे, तो आपकी श्रद्धा बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर क्या होता है 90% घट जाती है। क्यों घटती है, कभी विचार किया आपने, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल समस्या है कि नहीं है, कितने लोगों को समस्या है, ये आप लोगों को समस्या नहीं, आपकी श्रद्धा बढ़ रही है समस्या, क्या कारण है पता है, क्यों ऐसा होता है, हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए लेकिन हम श्रद्धा बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम ठीक तरीके से संग नहीं करते हैं, हम मर्यादाओं का पालन नहीं करते, हमारा मन इतना बदमाश है, इस मन में असीमित क्षमता है, बड़े ध्यान से समझिए, इस मन में असीमित क्षमता है आध्यात्मिक वस्तुओं को भौतिकता में बदलने की, भगवान को भी भौतिक मानने लगता है, भक्तों को कैजुअल ले लेता है, हाँ ठीक है क्या पड़ता है माला, हाँ ठीक है भगवान भौतिक है, असीमित क्षमता है इस मन में आध्यात्मिक वस्तुओं को भौतिकता में बदलने की, और इसीलिए जब व्यक्ति अपने मन के अधीन होता है तो उसके लिए हर चीज कैजुअल हो जाती है, वो किसी को ना गुरु को आदर करेगा, ना भक्त को आदर करेगा, ना भगवान के निर्माल्य को आदर करेगा, ना वो भगवान को ही आदर नहीं करता जब, तो और किसको आदर करेगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए, अगर हम अपना हित चाहते हैं तो बहुत सावधान होकर के भक्तों का संग करना चाहिए, और जब तक आप सेवा नहीं करोगे तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। नाम है, आपको नाम मिल गया, अब नाम की सेवा ना करो। अब नाम की सेवा कैसे होती है, ध्यान पूर्वक अपराध रहित होकर के जप करना, तो वो नाम की सेवा है। हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करते हैं, और नाम जप से पहले नाम अपराध पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें नाम की सेवा तो करनी है, लेकिन कैसे करनी है, अपराधों से बच करके। ऐसे ही हमें जब हम गुरु के संपर्क में होते हैं तो हमें गुरु का सेवा करना है, लेकिन कैसे करना है, अपराधों से बच कर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नाम को भी कैजुअल लेते हैं, नाम और भगवान तो एक है, तो नाम को हम कैसे कैजुअल लेते हैं, नाम भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, उसका फोकस ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं है, तो नाम के प्रति अपराध करते हैं। ऐसे ही हम नाम को कैजुअल लेते हैं, ऐसे ही हम गुरु को कैजुअल लेते हैं, भक्तों को कैजुअल लेते हैं, भगवान के प्रसाद को कैजुअल लेते हैं। तो शुरू शुरू में आता है व्यक्ति तो वो अपने को सबसे पतित मानता है, अपने को अज्ञानी मानता है, अपने को सबसे अधम मानता है, अपने को सबसे छोटा मानता है, तब ऐसी स्थिति में उसको उसका श्रद्धा का लेवल बड़ा होता है और वो सबको श्रेष्ठ मानता है। लेकिन जैसे जैसे वो आने लगता है रेगुलर और सही प्रकार से संग नहीं करता है, तो फिर क्या होता है, उसका मन उसे सब खराब कर देता है, फिर वो सब कुछ कॉमन कैजुअल लेने लगेगा, वो धीरे से बचेगा, भगवान को प्रणाम, बोले अभी तो प्रणाम किया था, अभी मंदिर गए थे, फिर गए, फिर जो प्रणाम करें, अभी हो तो गया, प्रणाम तो किया था हमने, ठीक है ना, तो बार बार प्रणाम करने में उसको भगवान को क्या लगता है, संकोच लगा, अरे काहे के लिए, हो तो गया, अभी एक बार हो गया, क्या करना है। भक्तों को एक बार प्रणाम कर दिया फिर क्या लगेगा, अरे बार बार क्या करना, अभी अभी ये मिले, फिर वो मिले, फिर वो मिले, अरे इतना भी क्या,
ऐसा तो नहीं, ठीक हो गया एक बार। कई बार तो धीरे से नजर छुरा के किनारे से बचेंगे, धीरे से क्यों आए, क्यों प्रणाम किया जाए, ठीक है। तो प्रणाम करने से हमको ही मिलता है, प्रणाम करने वाले को कुछ नहीं मिलता, उसका तो जाता ही है। जो प्रणाम करता है उसको क्या मिलता है पता है आपको? आशीर्वाद मिलता है। और क्या मिलता है? विनम्रता, विनम्रता मिलती है जिसकी बड़ी जरूरत है। अहंकार का खंडन होता है, जो हम अपने को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, जो अपने को श्रेष्ठ मानता है वो प्रणाम नहीं कर सकता, वो प्रणाम करेगा ही नहीं, वो भगवान तक को प्रणाम नहीं करता, वो मंदिर में जाएगा धीरे से मुंडी थोड़ी सी लाएगा और फिर बोलेगा क्या, क्या तमाशा करते हो तुम लोग, लेट जाते हो जाकर के, क्या ऐसा थोड़ी होता है। हम सच्चे मन से थोड़ी सी मुंडी हिलाते हैं, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को समझना चाहिए जो प्रोसेस है उसको पूरा फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे अंदर विनम्रता आती है, हमारे अंदर दीनता आती है। हम मंदिर में छोटा बनने आए हैं, बड़ा बनने नहीं आए हैं। आप अगर माता पिता की सेवा में जाते हो तो आप छोटे बनकर के सेवा करने जाते हो। आप अगर अपने किसी सम्मानित संबंधी संबंध में जाते हो तो आप वहाँ सेवक भाव से जाते हो। जैसे अगर आप अपनी बहन के घर पर जाते हो तो किस भाव से जाते हो, सेवक बन के जाते हो कि स्वामी बन के जाते हो? हाँ, तो ऐसे मंदिर में जब हम आते हैं तो हमें भगवान की सेवा में सेवक बन के जाना चाहिए। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें सेवक बन के जाना चाहिए, स्वामी के भाव बने जाना चाहिए, वरिष्ठता के भाव बने जाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम भी कुछ हैं, हमको भी बहुत पता है, हमारा भी ये पद है, या मैं यासा हूँ, या मैं बहुत धनवान हूँ, या मेरी बड़ी इज्जत है। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिल सकता। हमेशा अपने को दास मान करके जाना चाहिए, और मान करके नहीं, दास वाला कार्य भी करना चाहिए। खाली नहीं, दास तो मानते हैं लेकिन प्रयास कर रहे हैं पूरा स्वामी बनने का, तो हम किसे ठग रहे हैं? अपने आप को। तो हम लोगों को बहुत सावधान होकर के भक्तों का संग करना चाहिए, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? एक्चुअली भाव भाव का है। हम ठीक है, लेकिन निर्भर करता है किस भावना से हम कर रहे हैं। अगर प्रश्न क्या है, पद में बड़ा है, हाँ पद में बड़ा है लेकिन उम्र में छोटा है, तो प्रणाम करना है कि नहीं करना है? देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी चीज है प्रणाम कौन करता है और किसको करता है, ये संबंध बहुत समझना आवश्यक है। प्रणाम हमेशा छोटा बड़े को करता है। अब बड़ा किससे है, उम्र से है या भाव से है? आध्यात्मिक चेतना में हम उम्र नहीं देखते, हम व्यक्ति का भाव देखते हैं, व्यक्ति का स्थान देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर इसको ऐसे समझ लो, आपको संसारी भाषा समझाए तो समझ में आएगा। हालांकि अलग अलग संस्कारों, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन वास्तविक जो संस्कार है वो मैं बता रहा हूं। पहले के समय में जब हम अपनी बेटी देते थे, तो जब किसी को बेटी देते हैं तो बेटी का क्या करते हैं, कन्या दान करते हैं। और दान आप किसको करते हो, अपने से श्रेष्ठ को करते हो। मैं कई बार बता चुका हूं, भिखारियों को जो पैसा दिया जाता है वो दान नहीं होता, निर्धन को जो पैसा दिया जाता है या कमजोर व्यक्ति को जो मदद की, वो दान नहीं है। उसे कभी दान की भूल में मत रखना, वो सहायता है, वो दान नहीं है। दान हमेशा अपने से वरिष्ठ को किया जाता है, अपने से श्रेष्ठ को किया जाता है। तो कन्या
शास्त्रों में बताया गया अपने से हमेशा श्रेष्ठ को देनी चाहिए, यानी अपने से हमेशा उच्च कुल में देनी चाहिए, जो आपका कुल है उससे ऊपर कुल में देनी चाहिए, आपसे ज्यादा धनवान है उससे ज्यादा धनवान में देनी चाहिए, आपसे ज्यादा संस्कारवान है उससे और संस्कारवान में देनी चाहिए, तो हमेशा अपने से बड़े को देनी चाहिए। तो जब आप कन्यादान करते हो तब क्या करते हैं हम, लड़के को दामाद जो होता है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा होता है। एक उसका पैर छूते हैं कि नहीं छूते हैं? क्यों छूते हैं? क्योंकि वो सम्माननीय है, वो बड़ा है, तभी हमने उसको दान दिया है अपनी कन्या का, ठीक है। लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहा है, लड़कियां बोलती है हमने तुम्हारे मम्मी पापा के पास छुए तो हमारे मम्मी पापा को छूने पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है। तुमने क्या समझा तुम्हारे मम्मी पापा है, मेरे मम्मी पापा नहीं है। तो किसी को कोई चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है। अच्छा, आदमी भी बेवकूफ है, उसके जीवन का लक्ष्य गुरु को प्रसन्न करना नहीं है, उसके जीवन का लक्ष्य बीवी को प्रसन्न करना। वो कहते हैं तुम जिसके बताओ उसके छू ले, तुम्हारे छू ले भैया, और छूते हैं लोग। हाँ, लोगों का यही स्तर है आजकल, मानसिकता का लेवल ही ये आ गया है। वो गुरु के सामने नहीं झुकेगा, उसका सेवा नहीं करेगा, वो बीवी की सेवा करेगा। यही तो कलयुग है, यही तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसीलिए तो लोग नरक में पड़े हुए हैं, वो सब कुछ होते हुए भी दुखी है, क्योंकि वो जिन्हें जहां समर्पण करना चाहिए, जहां सरेंडर करना चाहिए, वहां नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम है। तो पद से नहीं, स्थान से, क्या उसका क्या स्थान है? निश्चित रूप से अगर उसका पद बड़ा है तो हमें उसको सम्मान देना चाहिए। और प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न क्या था? हाँ, गंगा जल। देखो दो चीजें हैं, गंगा जी को अगर आप स्नान कर रहे हो, गंगा जी तो इतनी पवित्र है कि जिसको स्पर्श करती है उसका कल्याण करती है। भागीरथ पूरी गंगा जी को कहां से कहां तक ले गए, तो वो कहते अरे इतनी नादी, इतनी गंदी, ये सब गंगा जी से स्पर्श करके सब पवित्र हो जाता है। जो गंगा जी के संपर्क में जो कीड़े आएंगे, जो जो भी आएंगे, उन सबका क्या होगा? कल्याण होगा, सबका भला होगा। निर्भर करता है आप उसका किस भावना से सेवन कर रहे हो। तो कई बार होता क्या है, हम लोग भावना सेवन करते हैं हमारे पुण्य बढ़ जाए, हमारा शुद्धिकरण हो जाए, वो ठीक है। शुद्धिकरण के लिए गंगा जल से ज्यादा बोला गया है वैष्णवों का सेवन, वो हम नहीं करेंगे। हम गंगा जल लाके उड़ेलते रहेंगे सर पर, हम कह रहे हैं तुम रोज गंगा नहाओ जाकर के, तुम गंगा का जल छोड़ो, तुम गंगा के किनारे रहो और रोज गंगा जी में नहाओ जाकर के, तुम्हारी चेतना कैसी होगी? लेकिन अगर हम भक्तों का सेवन करेंगे, अगर हम वैष्णवों का सेवन करेंगे, गुरुजनों का सेवन करेंगे, उनके निर्देशन, तुरंत चित्त शुद्ध होता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हमने खूब गंगा स्नान किया, गंगा स्नान का महत्व कम नहीं है, मैं गंगा के स्नान के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूं, इसको भगवान ने कहा है। इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं वो क्या है, चलते फिरते तीर्थ हैं। उनको शास्त्रों में बोला गया है जो भगवान के वैश्य भक्त हैं वो चलते फिरते तीर्थ हैं, उनके दर्शन करने से लोग शुद्ध होते हैं, और अगर उनका सेवन कर लिया जाए, उनसे श्रवण किया जाए, उनका सेवा किया जाए, तो निश्चित व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाता है। लेकिन करना पड़ता है, सेवा करे बिना काम नहीं चलेगा। हम गंगा जी का सेवा करते हैं या गंगा जी से सेवा लेते हैं, हम गुरु का सेवा करते हैं या हम गुरु से सेवा लेते हैं, ये मूड परखना बहुत आवश्यक है। सेवा लेने वाले का लाभ नहीं होता है, सेवा करने वाले का लाभ होता है। जो सेवा करता है उसको कुछ प्राप्त होता है, प्राप्त करने के लिए हमेशा नीचे आना पड़ता है, और जब हम नीचे होते हैं तो हम सेवा मूड में होते हैं, हम सेवा भावना में होते हैं, तो जो सेवा करता है उसको प्राप्त होता है, ठीक है। कोई भी मंत्र जाप नहीं करोगे, अगर बीमार हो तो कोई भी दवाई खा लोगे। तो मैं जब आपने पूछा तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप बीमार हो तो कोई भी दवाई खा लोगे, तो कोई भी मंत्र कैसे करोगे? डॉक्टर की गाइडेंस में करोगे। कोई डॉक्टर किसी को पैरासिटामोल लिख देता है, कोई किसी को डोलो लिख देता है, कोई किसी को बोलता है नहीं तुम एंटीबायोटिक लो, तो डॉक्टर की गाइडेंस में करते हैं। मंत्र ऐसे ही गुरु की गाइडेंस में करते हैं। कोई गुरु बोलते हैं राधे श्याम 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 राधे राधे जपो, तो अगर गुरु ने दिया है तो कल्याण होगा, उस मंत्र से ही कल्याण होगा। कोई गुरु अगर गुरु के सानिध्य में गुरु ने बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, बस
उस मंत्र का जाप करो। फिर ये नहीं कि हम तो 18 साल से उन भगवते वासुदेवायन कर रहे हैं, तो वो तुम अपने मन मर्जी से कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मन मर्जी से करता है तो उसको वो लाभ नहीं मिलता है जो लाभ गुरु के गाइडेंस में सेवा करने से मिलता है। ठीक है ना? हरे कृष्णा। शील प्रभु जी माता जी, आपकी बात समझ नहीं है, थोड़ा पास में आके बताओ, मुझे आवाज नहीं आ रही। आगे आ जाओ, उठ के आ जाओ। ये माइक कुछ उपर्णस नहीं लगता है इसमें क्या? जी माता जी, देखिए सेवा प्रेम का संबंध है। आप हमें एक बार बताओ, आपका बच्चा है या आपके पिताजी है, आप सोचते हो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है, बड़ा विचार करते हैं, हाँ इन्होंने, माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा है, फिर इन्होंने पूरा हिसाब लगाते हैं, हाँ इतना तो मुझे क्या सेवा करनी चाहिए, ऐसा सोचते हैं। अरे हमारा प्रेम है, हमारा भाव है, हम अपना प्रेम, अपनी भावनाएं, अपना सेवा कैसे अर्पित कर सकते हैं, वो आपके मनोभाव का विषय है, ना कि वो शब्दों का या किताब का विषय है। कि हम जब आप में से कितने लोग विवाह करते हैं तो पति की सेवा करने के लिए किताब पढ़ते हैं, बताओ। आप में से कितने पति ऐसे हैं जिन्होंने विवाह करने से पहले पत्नी की सेवा करने की किताबें पढ़ी हैं, बताओ। स्वाभाविक सेवा शुरू हो जाती है, पत्नी पति की सेवा करती है और पति पत्नी की सेवा करता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो सेम ऐसे ही आध्यात्मिक संबंधों में भी प्रेम का आदान प्रदान होता है। गुरु शिष्य का सेवा करता है और शिष्य गुरु का सेवा करता है, ये प्रेम का आदान प्रदान, ये भावना का विषय, किताब का विषय नहीं है। कौन सी किताब में लिखा है, क्या लिखा है, अच्छा 2:30 बजे उठना पड़ेगा सेवा करने के लिए, या ऐसा है, ऐसा नहीं। सबसे बड़ी सेवा है आदेशों का एज इट इज पालन करना, आज्ञा को पालन करना, पहली सेवा। गुरु की सेवा के लिए शास्त्रों में बताया गया 2 प्रकार की सेवा है, एक वपु सेवा और दूसरा वाणी सेवा। वपु सेवा का मतलब होता है उनकी शारीरिक सेवा, उनको भोजन कराना, उनको प्रसाद देना, उनको सर्व करना, उनको नहलाना, उनको मालिश करना, उनका पैर धुलना, उनका पैर दबाना, ये सेवाएं आती हैं वपु सेवा में। और वाणी सेवा मतलब जो वो बोल रहे हैं उसका एज इट इज पालन करो। तो वाणी सेवा हर कोई कर सकता है, वपु सेवा हर कोई नहीं कर सकता और हर किसी के लिए सुलभ भी नहीं होता है। तो इसलिए वाणी सेवा हमेशा रहती है। जैसे आज प्रभुपाद जी नहीं है फिर भी वाणी सेवा हमारे पास, तो हमारा अपना भाव है, लेकिन हमें वाणी सेवा, वपु सेवा के माध्यम से हम गुरुजनों की सेवा करते हैं, ऐसा शास्त्रों में गुरुजनों ने बताया। ठीक। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।